छाता तू चौटालते लह गई पवन उड़ान अब के बिछते न मिले दूर पर निहिर जान तो कबीरा जब हम पैदा हुए जब हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चले तो हम हंसे जब रोए तो जलती क्या भी देखते हैं गए कबीरा रो दो पाटन के बीच श्रीमान डॉक्टर राजन शर्मा जी पुत्र वधू श्रीमती पल्लवी शर्मा जी अच्छे हॉस्पिटलों में उन्हें ले गए और अच्छे ढंग नाल उनका इलाज कराया था परंतु भाइयों कुटी के लिए उठी नहीं अपनी तरफ से तो हक अदा कर दिया परंतु मौत को बहाना ढूंढती है अंत समय पर बिल्कुल ठीक हो गई थी ऐसे लगता था कि अब तो माता जी ठीक ही हो गई हैं परंतु तारीख 14 सितंबर 2017 दिन वीरवार को अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी करके स्वर्गवासी हो गए भगवान के चरणों में विलीन हो गए आज उनकी याद में उनकी बेटी श्रीमती रीता शर्मा जी वो पोते आर्यन शर्मा जी तड़प रहे हैं वो पूरा परिवार वो सगे संबंधी सभी तड़प रहे हैं भाई परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं चलता जैसे किसान अपनी फसल को कच्ची काटे या पका कर काटे ये उसकी मर्जी होती है ऐसे ही भगवान की मर्जी होती है वो अपने इंसान को इस आत्मा को कभी भी लिटा सकता है हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं पूजा शर्मा जी हमारे आदरणीय शहर के डॉक्टर बलवीर शर्मा जी की धर्मपत्नी और राजन और ऋचा के बहुत ही ग्रेट राज्य वाली माता थी मैं बहुत ही मिलनसार और परिवार इकट्ठे हुए रिश्तेदार दोस्त मित्र नाग संबंधी डॉक्टर बलवीर शर्मा की जिहड़ी शख्सियत है इहदे बारे तुसी सारे जाणो और बड़ा अपने जीवन च हर पक्षों में सफल रहे हैं और मैं गुरु ग्रंथ जी हजूरी के बिल्कुल बैठे सत्संग जय श्री राम अज असी सारे ही अपने बहुत ही सत्कार जो भैन त्रिपा शर्मा जी की श्रद्धा के सुन कले इकत्र हुए हैं ये असं सारे जानते हैं कि जो भी इंसान इस दुनिया से आता वो एक ना एक दिन उस परमात्मा दो मिनट के जन सिद्धांत परम पवित्र श्री गरुड़ ब्रह्म जी की हाजिरी विराजमान मातृ शक्ति के भरावों परम श्रद्धा स्वामी शंकरानंद जी पति मठ वाले अज असी अपने भैन जी तृप्ता जी जिन्होंने अंतम श्रद्धांजलि देने वास्ते एकत्र होए हैं समय स्थान और बहाना निश्चित है आज हमसे जुदा हुई आदरणीय पूजा जी के इस अंतिम संस्कार अंतिम श्रद्धांजलि में शामिल हुए पंजाब हरियाणा के विभिन्न स्थानों से आए हुए मेरे मित्रों बहनों मातृशक्ति उनकी भावनाएं जो आखिर में मुझे महसूस हुई वो मैं आपके सामने कह रहा हूँ गर्भ प्राणी हरी सर्वोपरि परम पितर डॉक्टर बलवीर शर्मा जी की धर्मपत्नी
मैडम प्रतिभा शर्मा जी भी पापा सारे क्रिया के अंदर इकट्ठे हो समा भी काफ़ी हो गया और मेरे को पहले बुलाया ने कृष्णस्तुदीय पदपंकज पंडरांते अत्यैव मे विशतु मानस राजहंस किसी काम का नहीं है फिर इसको त्याग लेते हैं फिर नया वस्त्र धारण करते हैं। हम लोग बचपन से लेके अभी तक कितने वस्त्र फिरते हैं और फिर नया धारण किए इस शरीर के लिए और हमारे अंदर जो आत्मा है उस आत्मा ने भी इस शरीर को त्यागा वस्त्र के जैसे पुनः पुनः फिर जन्म लेगा पुनः पुनः फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये संसार की एक गति है और वो अध्यात्म की ओर जीव जब जाता है तभी वो आवागमन के चक्कर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बार बार माँ के गर्भ में आना फिर मृत्यु को प्राप्त होना फिर जन्म लेना ये चक्कर उसका खत्म हो जाएगा जब उस परमात्मा को उस परमात्मा से उसकी एक लव लग जाएगी। एक धागा जैसे किसी को बांध देते हैं ऐसे ही उस परमात्मा से उसकी एक चित्त की वृद्धि जब लग जाएगी तब कहते जन्म मरण का चक्कर उसका छूट जाएगा। आज हमारे बीच में वंदिता जी नहीं है और डॉक्टर बलवीर शर्मा जी उनके बेटे राजन जी बेटी ईचा और परिवार के जितने भी सदस्य रिश्तेदार प्रेमी इस नगर के बाहर से भी जितने लोग आए हैं सब जहाँ भी बैठे हैं मन से सब अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वो आत्मा है इस शरीर से जो अलग हुई है उसको भगवान सदगति दें। और एक बात और ध्यान रखनी है कभी भी शरीर माता नहीं हो सकता और पिता नहीं हो सकता है। वो कैसे यदि जीवित को हमने जला दिया तो पाप लगेगा और मृत्यु के बाद यदि हमने शरीर को जलाया तो वो पाप नहीं लगेगा पुण्य लगेगा। इसका मतलब है कि हम लोग शरीर को माँ मान लिए शरीर को पिता मान लिए भाई मान लिए जो भी आप रिश्ता है वो मानेंगे तो कहते नाते नेह राम के मनी
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गजाननम भूतग्रहत सेवितम तपोत्तरम भक्षणम उमाश्रितम श्रोत विनाशकारकम विघ्नेश्वर पारकम सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याणाय प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः जय गणेश जय गणपति पार्वती सुकुमार विघ्न हरन मंगल कर सिद्ध सिद्ध दाता ज्ञान दो प्रकार का है एक शास्त्रों के द्वारा दूसरा विवेक से उत्पन्न परम ब्रह्ममय ज्ञान है कोई द्वैत की इच्छा करते हैं परंतु इस द्वैत और अद्वैत रहे सब तत्व को नहीं जानते हैं मेरा नहीं है और मेरा है यही दो पद मोक्ष और बंधन के लिए हैं मेरा है इससे जीव बंधन से छूट जाता है कर्म वही है जिससे बंधन न हो और विद्या वही है जो मुक्ति की देने वाली हो अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए हैं तथा अन्य विद्या केवल सिद्ध में निपुणता दिखाने को है जब तक कर्म किए जाते हैं और जब तक संसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलता है तब तक तत्व कथा कहाँ है तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धर्म करने वाले स्वर्ग हो जाते हैं तथा पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों में से सब शास्त्रों का सार निकाल कर यह कह दिया है फिर और क्या सुनना चाहते हैं सूत जी कहते हैं कहे राजन गरुड़ जी भगवान के मुखारविंद से इस प्रकार के वचन सुनकर हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कहे भगवान हे देवेश हे प्रभु आपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भवसागर से उतार दिया है अब मैं संदेश से रहित कृतार्थ हो गया हूँ इसमें संशय नहीं इस प्रकार कहकर गर्व चुप होकर बैठ गए और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए जो स्मरण करने से दुर्गति का हरण करने वाला है और पूजन यज्ञ से उत्तम गति को देने वाला है तथा अपनी परम भक्ति से जो मुक्ति देता है वह भगवान की रक्षा करेगा और विष्णु भगवान की जय पुराण की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय इस शोक सभा में आए हुए सभी माता बहनों वो बुजुर्गों और भाइयों आज हम श्रीमती प्रभुता शर्मा जी पूजा शर्मा जी की रसम पढ़ने पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं हम सब की हाथ जोड़कर प्रभु के आगे यही प्रार्थना है कि श्रीमती सर्वता रानी अमृता शर्मा जी श्रीमती पूजा शर्मा शक्ति पत्ता टू चौटा पे ले गई पवन मुड़ाई अब के बिछते न मिले दूर पर मिल जा तो खबीरा जब हम पैदा जग हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चले तो हम हंसे जग रोए तो जलती क्या भी देखते हैं गए कभी आरो दो पाटन के बीच हैं तो सबको पता है
कि ये मौत असहनीय है, ऐसी मौत भगवान किसी को भी न दे। श्रीमती पूजा शर्मा जी बहुत ही दयावान थी, मंदिर गुरुद्वारे में जाती थी, मत्था टेकती थी और समय समय पर दान भी देती थी। दानी सज्जन थी, उनके लिए कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं था। वे सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। कुछ दिनों के लिए उनकी सेहत कुछ ढीली हो गई थी, तो श्रीमान वो बेटा श्रीमान डॉक्टर राजन शर्मा जी और पुत्र वधु श्रीमती पल्लवी शर्मा जी अच्छे हॉस्पिटलों में उन्हें ले गए और अच्छे ढंग नाल उनका इलाज कराया था। परंतु भाई टूटी के लिए उठी नहीं, अपनी तरफ से तो हकार कर दिया, परंतु मौत को बहाना ढूंढती है। अंत समय पर बिल्कुल ठीक हो गई थी, ऐसे लगता था कि अब तो माता जी ठीक ही हो गई हैं। परंतु तारीख 14 सितंबर 2017 दिन वीरवार को अपनी संसारिक यात्रा को पूरी करके स्वर्गवासी हो गए, भगवान के चरणों में विलीन हो गए। आज उनकी याद में उनकी बेटी श्रीमती रीता शर्मा जी, वो पोते आर्यन शर्मा जी तड़प रहे हैं, वो पूरा परिवार, वो सगे संबंधी सभी तड़प रहे हैं। भाई परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जैसे किसान अपनी फसल को कच्ची काटे या पका कर काटे, ये उसकी मर्जी होती है, ऐसे ही भगवान की मर्जी होती है। वो अपने इंसान को इस आत्मा को कभी भी बिगा सकता है। आज उनके लिए सभी परिवार दुखी है। वैसे कविता जी बहुत लायक थी, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखती थी। सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना भी है, और ये भी मालूम है कि जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। परंतु दुबई जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। ये आत्मा पिछले जन्म के संस्कार से आती है और जब टाइम पूरा हो जाता है तो यहाँ से चली जाती है। ऐसे ही जैसे किसी का घर जल जाता है और वह दूसरे घर में प्रवेश करता है, ऐसे ही ये आत्मा यहाँ से जाके उसे दूसरा शरीर मिल जाता है। जब बंदा मर जाता है तो मरने के बाद अपने भाई बंधु जैसे कांकर पत्थर को छोड़ देते हैं। बहुत माड़ा हो गई माँ चली गई, देखो राजन जी दुनिया भी वीक। एक पासों कहने कि बहुत माड़ा हो गया, दूजे पासे यही नाल पुछ लें कि पुत्र ये दस कि माँ को लैके किन्ने बजे जाना है। ये हम घर के रखन वाली वस्तु जीन दे आदे सदे ते मोया का कोई चंद घड़िया घर के माँ को रखिया क्या की उठा से। बेशक मां ने अपने हत्था दे नाल अपने पुत्र दे कार्य किते, अपनी बेटी दे कार्य किते, लेकिन मां दे अंदर किन्नियां क आसा हुंदी है कि मेरा पोता है मेरी पोती बैठी है, अज परिवार दे विच दोता दोती बैठे है कि महाराज इन्हां दे भी कार्य मैं अपने हत्थी करके जावा। लेकिन गल आ जाती ना कि आसा 100-100 वर्षा दी है लेकिन पल भी तेरी खबर नहीं। जिस वक्त राजन जी तुसी मां नू अग्नि का दान दिता सब ने तिनके तोड़ दिते, लेकिन गर्भ पुराण के विच लिखे है, पंडित जी ने पढ़ के सुनाया होएगा
कि जिस बेटे ने कर्म करवाया हुए वो बेटा कभी चिंता नहीं तोड़ता, क्योंकि महाराज कहते बेटा अगर पहले दिन तिनका तोड़ दे तो 10 दिन तक पिंड दान किन्ने करने। शास्त्र कहता है राजन जी चौथे वाले दिन तुसी मां दियां अस्थियां एक पोटरी दे विच बन दित्तियां, कहते मां दियां अस्थियां तुसी गंगा घाट। शास्त्र कहता है कि भागीरथ ने 60,000 पितरियां नूं मोक्ष दिलान वास्ते कहते आकाश के विचों जिस वक्त गंगा नूं प्रगट किया। शास्त्र कहता है कि कनखल ये मां की गोद है, बेटा अपने बजुर्गों के फुल जड़े। शास्त्र कहता है कि गंगा दहा के उत्ते कनखल दे विच लैके जावे, उत्थे जाके मां दियां अस्थियां कहते अपने हिरदे मत्थे दे नाल लगा के कहते गंगा दे विच उन्हां नूं एक अर्पण करे। जिस वक्त गंगा दे विच अर्पण करे तो बाद नारायण बलि जिसनों असी पंजाबी दे विच कहने गति करवाना, गति करवाण वास्ते तुसी पिहोवे दे विच गए, गति करवा के तुसी वापस आए ते अज देखो सारे समाज के सामने तुसी बैठ के विदाई है एक परमात्मा दे नाम के नाल। अज जिस वक्त तुहाडे सिर के उत्ते पगड़ी का ताज ते पगड़ी की लाज रखी है, केंदा एक शब्द है कि राजन जी जिन्नी देर तक मां बैठी मां ने तुहानू प्यार भी दिता दुलार भी दिता है, जिन्ना प्यार तुहानू मां ने दिता है ना कहते वो प्यार तुहानू कोई भी जग दे विच इंसान नहीं दे सकता। जीवन दे विच अज सारा समाज देखो तुहाडे कोल राजनीतिक समाजिक ते धार्मिक जिन्ना अज तुहाडा प्यार बनिया होया इस बंगे शहर दे विच सारे रिश्तेदार सखा संबंधी मित्र यार वेली तुहानू एक प्यार देण वास्ते आए। अज तुहाडे पिता जी बैठे है डॉक्टर बलबीर जी, जीवन दे विच प्यार ते सन्मान मां तुहानू दे के गई है ना, उस प्यार ते सन्मान नूं तुसी हमेशा बना के रखना है। तो इस तरह तुसी अपने पिता जी की इतनी कु सेवा कर देनी है, अपनी बहन ते अपनी बहनोई का तुसी आदर मान सत्कार करना है। शास्त्र कहता है कि जिन्नी देर तक घर दे विच मां बैठी होए परिवार दे विच कहिंदे बेटी आंदी है ते मां दे नाल अपना दुख सुख सांझा करके चली जांदी है। हुण दुख सुख सांझा किहदे नाल होणा है, हुण दुख सुख सांझा होणा है कहिंदे भाई ते भरजाई दे। जीवन दे विच अपनी बहन का सन्मान करना, क्योंकि जिथे बहन बेटी मां का सन्मान हो जाए ना उथे गुरु महाराज भी आके अपना आशीर्वाद। अपने पुत्रा पर मां का प्यारे अडोले होंदा, माजा मां के प्यारे दा ओ जेड़ा पुत सदा मां दे कोल रहंदा। आ बाप ने कीता की है और सजनों जिस वक्त कहंदे अज अपने बच्चे पालने पैंदे है ना उदों पता लगता है कि साडी मां ने कहंदे सानू किन्ने क दुखां दे नाल पालिया होएगा। बेटी बैठी है रिचा, बेटी दे अंदर किन्ना क दुख है कि अज मेरी मां मैनू छड़ के चली गई। बेटी नू पता है, बेटे नू पता है कि जग दे विच सब कुछ मैनू मिल जाना है
लेकिन जो प्यार मैनू मां ने दिता है वो प्यार मैनू किते मिल नहीं सकता। शास्त्र कभी झूठे नहीं हो सकते। शास्त्र बार बार यही गल लिखते हैं कि इस युग दे विच कहिंदे जो मां अपने बच्चियां नू देंदी है ना वो किते भी इस इंसान नू किते मिल नहीं सकता। शास्त्र यही गल लिखता है रिश्तेदारे जहान ते लाखे होने भावे पर रिश्ता एक मां दा अनमोल होंदा। इस परिवार को आशीर्वाद देके जाना। बाकी मेरे कुल मेरे अजीज दलजीत अरोड़ा जी अगली कार्रवाई वो करेंगे। मंच संचालक का कार्यक्रम उन्होंने हाथ। बाकी एक बार मैं फिर कहांगा कि जिन्ना क समय है समय दे विच रह के तुसी इस कार्य को अज संपन्न करना। बच्चियां नू आशीर्वाद दे के जाना। बेटी नाल भी गल कोई सी राजन जी नाल क्या कि पंडित जी मां दे निमित्त धार्मिक अस्थाना दी पूर्ति वक् वक् अस्थाना दी पूर्ति असी गुप्त रूप दे विच दान कढ़िया है वो दान उन्हां तक पहुंचा दिता जाएगा। बाकी राजा जी हमेशा बुजुर्गों का तुसी मान के सम्मान बना के रखना अपने वालों ते शर्मा परिवार वालों। अज मैं मां दे चरणां विच श्रद्धांजलि ते पुष्पांजलि ते मैं तिलांजलि अर्पण करदा। मेरे कोल सामने बैठे मेरे सत्कारयोग अज उन्हां वालों भी मैं मां दे चरणां श्रद्धांजलि अर्पण करदा। अगली कार्रवाई दलजीत जी आओ आके तुसी मंच का संचालन करो। बोल श्री शोक के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूजा शर्मा जी हमारे आदरणीय शहर के डॉक्टर बलवीर शर्मा जी की धर्मपत्नी और राजन और ऋचा के बहुत ही दृढ़ इरादे वाली माता थी। मैं बहुत ही लगनसार और परिवार का मार्गदर्शन करने वाले थे। परिवार और समाज को उनके जाने से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है जिसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आज हमारे बीच परिवार से समाज से राजनीतिक धार्मिक समाज से भी संस्थाओं से सभी से इस परिवार का नाता है। उनसे संबंधित सभी आज इस दुखी घड़ी में इस प्रार्थना में शामिल है कि हम दो मिनट के लिए जिनको भी मैं पुकारूंगा दो मिनट के लिए अपना समय लेकर इस विशेष हुई आत्मा को श्रद्धांजलि और परिवार को स्नेह दें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे और इस परिवार के सदस्य श्री के शर्मा जी जो कि सिटियन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि दो मिनट के लिए श्री के शर्मा जी ने मंच पर आकर श्रद्धांजलि दें। इकट्ठे हुए दो मित्र नाग संबंधी डॉक्टर बलवीर शर्मा की जी शख्सियत है ये बारे तुसी सारे जानो और बड़ा अपने जीवन हर पक्षों में सफल रहे हैं। और मैं समझदा कोई भी जड़ा समाज के बीच सक्सेसफुल कोई भी आदमी हुंदा ते उदे मगर औरत का हक जरूर हुंदा। और जिस इंसान की सुपत्नी वधिया वधिया सोच वाली वधिया संस्कार वाली वो आदमी उन्ना ही समाज विचरदा और सक्सेसफुल हुंदा। डॉक्टर साहब मैं 1976 पहले मैं नवें शहर आया उदों
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਦਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਸ਼ਰੀਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਲੀਰ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਰਿਚਾ ਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸਲੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੰਗੀਤ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਬੰਕੇ ਮਰਦ ਕਹੀਏ ਭੁੱਖ ਬੰਕੀ ਨਾਰੀਆਂ
नारी उही सुंदर है जिदी औलाद। देखो दो बच्चे है, दोनों ऐन अपनिया खुशबुआ छड़दे है, समाज की सेवा करते हैं। और मैं फिर भगवान अगे दुआ करना कि पिछड़ी आत्मा अपने चरणों पास दे। बाकी जोड़ा परिवार है ये इदा ही हसता बसता अपना सुखी रवे। नमस्कार। हुण मेरी गुजारिश है साढ़े हलका दे MLA साहब डॉक्टर सुखविंदर कुमार जी की तरफ तो 2 मिनट के लिए अपने श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी की हजूरी के बेच बैठे सात संगत, जय श्री राम। अज असी सारे ही अपने बहुत ही सत्कार जो पैंतृत समय श्रद्धा के फुल कले कत्तर हो रहे हैं। ये असं सारे ही जानते हैं कि जो भी इंसान इस दुनिया से आता वो एक ना एक दिन उस परमात्मा उस वाहगुरु को दिते सुवासा की पूरी बोल के इस दुनिया पर चले जाता है। जाना हर इंसान ने है, पर अज के दिन असी ये जरूर गल करने कि जाने वाला इंसान अपने परिवार ने की करके गया, उसने समाज ने की किया। जितों तक इस परिवार की गल है, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर बलवीर शर्मा जी जिस तरह की समाज सेवा करते हैं, जिस तरह वो लोड़वंद लोग उन्होंने मदद करते हैं, मैं समझता कि इस तरह के लोग बहुत घट ने समाज के अंदर। डॉक्टर राजन जिन्हों के माता जी अज इस दुनिया से नहीं रहे, जदों का मैं इन्हों मिलया कभी भी एक भी समा नहीं गया जदों इन्होंने हस के ना मिले हो, जदों कभी इन्होंने लोगों की भलाई की गलत की हो। जितों तक मेरा अपना सवाल है, मैं जदों इलैक्शन लड़ रहा से डॉक्टर बलवीर शर्मा पार्टी ने जुड़े है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, उन्होंने दिन रात मेरे लिए मेहनत की। और डॉक्टर राजन भी अक्सर मेरे नाल रहे, पर मैं अज भी याद है कि बहुत घट छोटे बच्चे होंगे। राजन का छोटा बेटा मेरा बेटा ही मेरे आ गया जी, और जदों भी मैं शहर में किसी फंक्शन पर जाता से वो सदा ही मेरे नाल बैठा सी। वो सदा ही इस गल मैं बड़ा हौसला आता से कि बड़े तो मेरी मदद करते ही, जो इस तरह के बच्चे थोड़ी मदद कर लग जाए तो जी जित अपनी जगह नहीं होती है। मैं समझता कि इस परिवार ने जिसे समाज में बहुत कुछ दिता, जितों तक मेरी निजी जिंदगी की गल है वो भी अब जेकर मैं विधानसभा हल्का बंगा के MLA हूँ तो मैं समझता कि इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। ये पर मैं अज इस मौके पर क्योंकि जो इस शखीत इस दुनिया पर जानी है वो कल परिवार को घाटा नहीं पा के जानी है, इस सारे समाज में घाटा पा के जानी है। जितों तक मेरी कहने मैं निजी घटा मिली है, और मैं इस मौके पर अपने वालों अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वालों और समुचे विधानसभा हल्का बंगा वालों जिते भैन जी ने श्रद्धा के फुल पेश करना, उस परमात्मा वाहगुरु से ही अरदास करता कि पिछली आत्मा ने वो अपने चरणों में निवास बख्शे और परिवार ने भाणा मनाने का बल बख्शे और इस परिवार को वाहगुरु की कृपा बनाई रखे कि जिस तरह अगे समाज की सेवा करते हैं उसी तरह समाज की सेवा करते रहें। इन्हें ही बीते का दर्ज तो रोजाना कहा, जय श्री राम। बहुत ही नाता है लायंस क्लब के नाल, उन्होंने बहुत ही स्नेह लायंस क्लब सारे लायंस बंगा तो गढ़शंकर तो नवांशहर तो फगवाड़ा तो जलंधर तो अमृतसर तो होर इलाके के बहुत सारे लायन बंधु इस दुखती घड़ी के बीच शामिल होए हैं। वक्त की कमी है इसलिए मैं सारे के नाम नहीं ले सकता। साढ़े लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ तो साढ़े आदरणीय फास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन परमजीत सिंह जी चावला, लायन फास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महेंद्रजीत सिंह जी,
ਬਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਨ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨਗੇ ਲਾਇਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਬਹੁਤ ਰੋਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਾਮਨ ਹਮਾਰਾ ਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਇਨ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਬਰਸਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਬਹੁਤ ਰੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾਮਨ ਹਮਾਰਾ ਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਇਨ ਆਂਖੋਂ ਕੇ ਬਰਸਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੁਆਓਂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਭੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਪਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਕੋਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਇਨ ਲੀਡਰ ਲਾਇਨ ਬਲਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹਮਚੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ ਭੈਣ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਨ ਬਲਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਲੇਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਵਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਟੀਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਾਇਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰਸ ਸਮੁੱਚੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਲਾਇਨ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਇਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਕਾ ਲਾਇਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਦਰਾ ਲਾਇਨ ਬਲਵੀਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਬੰਗਾ ਦੇ ਲਾਇਨਸ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਮੂਹ ਲਾਇਨਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
समुचे डिस्ट्रिक्ट का एक एक दोस्त जिहड़ा उहदी अख नम हुई है उन्हों महसूस होया इस तरह का एहसास होया कि यह साडा अपना साढ़े परिवार का जी तुर गया साडा अपना घर का मैंबर तुर गया इस तरह का एहसास हरेक लाइन ने महसूस किया। तो दोस्तों अज इस मुबारक जिहड़ा मौका सानू अज इस भैन जी के अंतम रस्म शामिल हो आए हाँ सी इस मौके पर मैं ये भी जरूर थोड़े सब के नाल गल सांझी करनी चाहना कि लायन प्रवीर शर्मा जी जिन्होंने लायनिज़म के खेत्र में जदों तो भी कदम धरिया और ये फगवाड़ा पंगा ही नहीं 321 डी का एक एक लायन किहड़ा दोस्त है जिहड़ा लायन प्रवीर शर्मा नूं नहीं जानता और इन्होंने अपने समाज सेवी कामों के राही 321 डी के एक अपना नाम बनाया। तो उहदे पिछे कि शक्ति सी उह सी साडी सरकार जो भैण तृप्ता शर्मा और अज सानू महसूस हुंदा कि हो सकता उन्हां दी घाट जिहड़ी है उन्हां दा इत्थों तुर जाणा जिहड़ा आ उह इन्हां दी एक्टिविटी है नैचुरली है कि इन्हां दी शक्ति घट घटेगी तो समाज सेवी कामों विच घट ध्यान दे पाउणगे पर फिर भी असीं उम्मीद करते हाँ कि उन्हां दी रूहे रवां सदा ही जी है इन्हों की एक शक्ति बनी रहेगी जिस तरह वो इस समाज में रेंद्या इन वास्ते इन पिठ के उत्ते खड़े परिवार को संभालते तो ये समाज सेवी कामों में अपना योगदान पाते अज भी उस स्पिरिट के नाल कि अपनी अर्धांगनी वालों दिते गए साथ को सीध लेंद्या कि मेरी ड्यूटी बनती है वो तो जाने तो बाद भी समाज को उस तरह ही समर्पित रहना और इस यही अं उम्मीद करते हैं और समुचा डिस्ट्रिक्ट जोड़ा इस दुख की घड़ी में लायन प्रवीर शर्मा जी के नाल खड़ा और तय दिनों हमदर्दी प्रकट करते हैं एक एक लायन वालों श्रद्धा के फुल 321 के एक एक लायन वालों भेट करता है इस मौके के उत्ते और इन्ना ही कहता हुआ हिम्मत है जाचका थैंक यू जय लहरा जी। पट जिला नवांशहर की तरफ तो श्री संजीव भारद्वाज जी परम पवित्र श्री गरुड़ पुराण जी की हाजरी विराजमान मातृ शक्ति भरावों परम श्रद्धे स्वामी शंकरानंद जी पंजी मठ वाले अज असी अपने भैन जी तृप्ता जी जिन्होंने अंतम श्रद्धांजलि देने वास्ते एकत्र होए हैं जिस तरह मेरे तो पहले जिन्हें व्यक्ता बोल के हटे थे कि डॉक्टर बलबीर राज शर्मा जी मेरे वड्डे भरा ने बचपन तो ही इस परिवार के नाल पूरा प्यार रहा है आड़ा खड़ा रहा है असं देखते हैं कि कोई बंगिया दे विच ऐसा धार्मिक या समाजिक काम नहीं होता है जिथे डॉक्टर साहब ना पहुँचे हो डॉक्टर साहब ही नहीं तो पूरा परिवार ही जड़ा है इन्हां च समाज सेवा कुट कुट के भरी हुई है धार्मिक काम ले लो साडे भैन जी शिव मंदिर नाल जुड़े हुए सी और शिव मंदिर में इन्नी सेवा की उन्होंने पूरा समय अपना जीवन हर वेले हाजिर रहे हैं समाज सेवा नहीं ले लो जिते डॉक्टर साहब आ उत्थे राजन जी उत्थे साडे भैन जी जिते भी देखो हर वेले हाजिर रहे हैं समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने हर काम उन्होंने किए ने संघ के नाल RSS के नाल बचपन से ही डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं पूरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी जहाँ से बहुत जिम्मेवारियां रही अलग अलग समय से जब भी कोई साडा अधिकारी जां कोई लीडर जां कोई संघ का प्रचारक कभी भी घर आया उन्होंने मैंने भी बहुत बार मौका मिलता सी जाण दा और साडी भैन ने कभी मूँह ते शिकर नहीं आई चाहे अं 10 बजे पहुंचे हैं चाहे अं दोपहर को पहुंचे हैं खाने के टाइम खाना चाह के टाइम चाह हस के बड़े प्यार करा ये संस्कार होंगे ने घर के जेडे अगे बच्चों उन्होंने पूरे जोर शोर ना दिते है थोड़े दिन पहले ही प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी साडे MP ने पार्लियामेंट एक हफ्ता पहले आए थे वो अज नहीं आ सकते
ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ BJP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆਸ਼ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ BJP ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਖੋਂ ਕਾ ਮੇਲਾ ਜੁੜਾ ਹੰਸ ਜਬ ਵੀ ਉੜਾ ਤੋਂ ਅਕੇਲਾ ਉੜਾ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੈਸੇ ਸੁਣੇ ਛੁਪ ਜਾਤਾ ਵੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਮੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਾਂ ईश्वर की रचना क्या कहती है कहाँ इंसान क्या सोचता है इन दोनों बातों को अलग अलग साबित कर दी हमारी बहन समय स्थान और बहाना निश्चित है आज हमसे जुदा हुई आदरणीय पूजा जी के इस अंतिम संस्कार अंतिम श्रद्धांजलि में शामिल हुए ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਥਾਨੋਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਬਹਿਨੋਂ ਮਾਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨਕੀ ਭਾਵਨਾਏ ਜੋ ਆਖਿਰ ਮੇ ਮੁਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਉਨਕੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਸ਼ਵਰ ਮਾਨਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਹੀ ਕਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਹਮੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਲਗਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਹਾ ਸੈਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਏ ਸੈਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਰ ਚਲੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਹਮ ਤੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਉਹ ਯਹਾਂ ਰਹੀ ਵਿਜਈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਉਸ ਪਰਵਰਧਿਕਾਰ ਮੇ ਉਨਕਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਮੇ ਉਮਰ ਪਰਯੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਓ ਮੇ ਲਗੀ ਰਹੀ ਐਸੀ ਪੁਣਿਆ ਆਤਮਾਏ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁਆ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਮੇਰਾ ਜੁੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਬ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸੇ ਮਿਲਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਮੁਝੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁਆ ਕਿ ਐਸਾ ਘਰ ਮੁਝੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਜਬ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀ ਉਸੇ ਮੈਂ ਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਜਬ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਸੇ ਮਿਲਾ ਉਸਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਤੋ ਮੈਂ ਉਨ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਕੋ ਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਇਆ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਬਹਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਤਿ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇ ਜੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ ਵਹਿ ਕੇਵਲ ਹਮਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਕਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਉਸ ਪਰਵਰਧਿਕਾਰ ਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦਮੇ ਕੋ ਸਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਬੇਟੇ ਅਬ ਆਪ ਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ
ਸਾਥੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੱਲਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਤੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਦੁਖੀ ਘੜੀ ਮੇ ਸਿਰਸਾ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਜੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਸਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਸੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਮਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜਨ ਸੇ ਜੁਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਆਤਮਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਇਸ ਸਦਮੇ ਕੋ ਸਹਿਨੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਇਸੀ ਸਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਪਿੱਲਰ ਗਿਰ ਗਏ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਚਾ ਕੀ ਸਾਸ ਇਸੀ ਜਨਵਰੀ ਮੇਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਚਾਰੀ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਮੇਂ ਥੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਜ ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਕੋ ਚਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਬੱਚੋ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਬੱਚੋ ਕੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਕੋ ਸਹਿਨ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਬ ਆਪ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਬ ਮਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਕੋ ਨਿਭਾਨੀ ਹੋਗੀ। ਇਤਨਾ ਕਹਿਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਤਾ ਹੂੰ, ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਕੀ ਘੜੀ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਦੇਣ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਹਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਂਗੇ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ। ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਗੜਬ ਰਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮ ਪੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਮਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। 13 ਦਿਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਮੂਹ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਜਾ ਲੈਣਾ ਜੈ ਸ਼ਿਆ ਹਮਾਰੇ ਵੀਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮਤਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤੀਮਠ ਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਕੇ ਲਈ ਯਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ಕೃಷ್ಣಸ್ತ್ವದೀಯ ಪದಪಂ ಗಜ ಪಂಜರಾಂತೆ ಅದ್ದೇವ ಮೇ ವಿಶತು ಮಾನಸ ರಾಜಹಂಸಃ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯೇ ಕಫವಾತ ಪಿತ್ತೈಃ ಕಂಠಾವರೋ
कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते भगवान कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च। एक व्यक्ति एक शरीर एक समाज उसके लिए भगवान ने ये वचन नहीं कहे हैं, प्राणी मात्र के लिए ये वचन कहा है जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्। क्या है तो और उन्नति और अधोगति यदि मिली है तो उसके कर्मों के कारण उस जीव को मिलती है। तो मैं अधिक नहीं बोल करके, क्योंकि टाइम बोलने के लिए तो घंटों बोला जा सकता है इसके ऊपर, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ओ हम कथम इदम जातम कर्ता कवश्य वै ध्रुवम, इस श्लोक के ऊपर ही घंटों बोला जा सकता है। तो आज उधर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः पुनः उस विषुड़ हुई आत्मा को, शरीर में कोई कष्ट हो जाता है, चोट लग जाती है तो सहन करने की शक्ति जीव में आती है, लोग कहते हैं थोड़ा सहन करो भाई। इसी तरह से चित्त में दुख जो हुआ है, शर्मा परिवार को ही नहीं हुआ है, उनसे आत्मीयता से जो भी जुड़े थे सबको कष्ट हुआ कि उनकी पत्नी शरीर के दो पहिए, रथ के दो पहिए हैं, एक यदि गड़बड़ हो जाता है तो रथ का चलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो परिवार से एक बहन तृप्ता जी नहीं रही, तो डॉक्टर बलवीर शर्मा जी, उनके सुपुत्र, उनकी बहू बेटी सबको परमात्मा वो शक्ति प्रदान करे, सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और उस दिवंगत आत्मा के लिए पुनः पुनः मैं भी पद्दी मठ की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने चरणों में निवास दे और पुनः पुनः फिर इस दुनिया में आए, अच्छे अच्छे कार्य करे, समाज की सेवा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमात्मा से विनती करूँगा पुनः पुनः कि उनको सदगति दे अपने चरणों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, हमारे बीच सह जिला संघ संचालक श्री मोहन जी, उनसे गुजारिश है कि एक मिनट के लिए श्रद्धांजलि भेंट करें। अपन सारी संगत इस गल का सबूत है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत डॉक्टर दलवीर जी ने सहज बनी होगी। अज असी सारा समाज इन्हों श्रद्धांजलि भेंट करने इकट्ठा होया। एक रामायण की चवाई है, जो भी तुम लिखा मिला देव जो तो मानु मुनि कोई ना मिटन हा, जो लिखा है वो होएगा। निर्गुण मन सन जन सो मोहि पावा, मोहे पर सन चकन्ना पावा। निर्मल मन जरा है वही भगवान को पा सकता है, कि निर्मल है, पाप है, डॉक्टर जी का स्वभाव बड़ा अच्छा है। और मैं ज्यादा ना कहता हुआ आत्मा पंच तत्व बलीन हो गई, शरीर पंच तत्व बलीन हो गया, आत्मा ईश्वर है सजीव है बनासी चेतन अमर सहज सुख राशि, वो जीवता अमर है। उसने फिर जन्म लेना है, भावे जैसे महाराज ने हुए दसा है, मैं ज्यादा कुछ निर्वाद नहीं करना। तो राष्ट्रीय संघ से संगठित जरा नवा शहर तरफों इस परिवार को जो शोक मिलया है, असं भगवान को बेनती करते हैं कि उनका शौक जरा है वो दूर किया, बहुत दूर होने पर प्रार्थना करते हैं। ज़्यादा मैं चाहता हुआ अपने शब्दों के साथ अपनी माँ से बढ़कर दादी माँ के ऊपर कुछ दुखग्रस्त भाव प्रकट करने जा रहा हूँ। अपनी प्रिय दादी माँ को खोने का ठेस मुझे हमेशा सताता रहेगा। मैं उनसे बहुत लगाव करता था,
उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया, सदा अपने खुशियों की चोटी में रखा था। मैं उन्हें जो कहता था वह वो करती थी। जब भी मुझे डांट पड़ती तो वो डांटने वाले से भिड़ जाती कि आखिर तुमने डांटा कैसे। वह हमेशा कहती थी जब भी कोई बात हो सबसे पहले मुझे बताना, मैं उसका समाधान निकालूंगी। मैंने उनके लिए एक कविता बनाई है, तो वो है, दादी माँ मेरी दादी माँ तेनू डाटा प्यार करा, अंबर बिजने जितने तारे ओने तेरे सी बोल पिया, धीरे जे तेरे चिट्टे वाल तू रख दी सी किना ख्या, तेरे वर्गा ना कोई हानी तू सी इस दुनिया दी रानी। मैं उसका समाधान नहीं निकाल सकता। अब मैं स्वर्गवासी अपनी दादी माँ को सिर्फ बातों में रख पाऊँगा। मैं अपनी दादी माँ की मीठी गोद कभी नहीं भूल पाऊँगा। दादी माँ मैं आपको प्यार करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। भगवान इस महान प्रियवान धार्मिक स्त्री की आत्मा को स्वर्ग में रखकर शांति बख्शे। धन्यवाद। बहुत ही महान शख्सियत शिक्षित हैं जो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक से जुड़े हुए हैं। समझ आता हूँ कि वक्त की कमी के कारण उनको समय नहीं दे पाया। हमें शहर के बहुत से शौक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मैं उनका नाम जरूर बोलना चाहूँगा। राजेश मंदिर बाग मिश्रा की तरफ से, कमेटी की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बीएपी बंगाल डिस्ट्रिक्ट नवा शहर की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। डिपार्टमेंटल बंगा की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री नैना देवी मंदिर, माता चिंतपूर्णी मंदिर, शीतला मंदिर, राम शरणा बंगा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम बंगा, बाबा लाल दयाल जी आश्रम बंगा, राधेश्याम मंदिर बंगा, शिवपुरी वेलफेयर सोसाइटी मसंदापट्टी बंगा, निम्मा बंगा, श्री विजय सांपला जी प्रेजिडेंट बीजेपी पंजाब एंड स्टेट मिनिस्टर, श्री अविनाश राय खन्ना जी वाइस प्रेजिडेंट बीजेपी इंडिया, श्री गणेश जी पंजाब बीजेपी महामंत्री प्रेजिडेंट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ नगर काउंसिल बंगा, श्री रवि कुशल जी की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। रोटरी क्लब आस्था बंगा, NLC चैरिटेबल हॉस्पिटल गढ़शंकर रोड बंगा, डॉक्टर अश्विनी जी प्रेजिडेंट इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विश्वकर्मा मंदिर बंगा की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। गुरु अर्जन देव मिशन हॉस्पिटल मसंदापट्टी की बंगा की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। योग साधना कमेटी बंगा, आदर्श समाज सेवा समिति बंगा, DAV कॉलेज फॉर गर्ल्स गढ़शंकर, PD बेदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़शंकर, शिंदे आजम सरदार भगत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट बंगा, लायंस क्लब बंगा महक, लायंस क्लब मकानपुर, लायंस क्लब बंगा सिटी स्माइल और लायंस क्लब नामा शहर गढ़शंकर और भगवाड़ा और बहुत से क्लबों से हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन भगवाड़ा की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत प्रकार परिषद बंगा की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद नामा शहर, BJP मंडल नामा शहर, अश्विनी जोशी जी नामा शहर, रवि कृष्ण गोयल जी की तरफ से पहले ही प्रस्ताव आ चुका है। गो ग्रीन इंटरनेशनल नामा शहर, BJP बलाजोर रहो नामा शहर मकानपुर बहराम और से हमें ये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्षमा चाहूँगा किसी का संस्था का नाम मेरे से मिस हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लास्ट में मैं दर्ज करूँगा एक परिवार के सदस्य की तरह श्री श्री संजीव लाल जी चुप 2 मिनट के लिए संज्ञान करेंगे। ओम शांति शांति। डॉक्टर प्रदीप शर्मा शर्मा परिवार वालों, मैं बाबो सारे संबंधी रिश्तेदार मित्र और बंगा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने के शर्मा जी का दुख उड़ाया है। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। अब
आरती होगी। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपद घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट में चैतन का, ओम जय जगदीश्वरी। मातो पिता तुम मेरे, शरण गऊ में किसकी, स्वामी शरण पड़ू में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश्वरी। तुम पूरण परमा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश्वरी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख खल कामी का, ओम जय जगदीश्वरी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। अगर उस संस्था से कोई भी जहाँ बैठे हों तो जरूर वो हमारे से लेके जाएं। नागकुल देवता जठेरे हिमाचल प्रदेश, प्राणी गौशाला, माता नैना देवी मंदिर, बाबा लाल दयाल जी मंदिर, गुरुद्वारा सिंह सभा, ब्रह्म कुमारी आश्रम बंगा, श्री सत्यनारायण मंदिर जलंधर, इनके कोई भी सदस्य या कमेटी का यहाँ हो तो जरूर दान पात्र हमारे से लेके जाएं। परिवार की तरफ से सभी से निवेदन है कि सभी चाय का प्याला जरूर पीके जाएं। ये गुजारिश है सभी से। ओम शक्ति सम
Gracias.